हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है संजय कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटीक कंप्यूटर स्टोर के एक नए एपिसोड में। तो आज एक फिर से नए पीसी बिल्ड के वीडियो लेके हाजिर हूँ मैं आपके लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिल्ड करने वाले एक बहुत ही हाई एंड वीडियो एडिटिंग पीसी, बहुत ही हाई एंड गेमिंग पीसी और बहुत ही शानदार आरजीबी पीसी जो कि है एएमडी की तरफ से। दोस्तों आज जो हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं उसकी कुछ 1,60,000 रुपये 1,60,000 का मैंने यहाँ पे सीपीयू बिल्ड किया है जो कि मैंने बनाया है स्पेशली वीडियो एडिटिंग के लिए। लेकिन आप चाहे तो इस पर गेमिंग भी आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी वीडियो एडिटिंग और गेमिंग यहाँ पे ये करा देगा। तो दोस्तों मेरे कस्टमर रोशन कुमार भोपाल में रहते हैं, उनके इस पीसी का बिल्ड हमने यहाँ पे किया है, वीडियो एडिटिंग उस पर करेंगे। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि हमने कौन कौन से कंप्यूटर के इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, उनके टेक्निकल डिटेल्स क्या, फीचर क्या है, कॉस्ट क्या है। इसके बाद हम पीसी को असेंबल करेंगे और असेंबल करने के बाद इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो कंपोनेंट बिल्ड का है एक प्रोसेसर सीपीयू, तो जो सीपीयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है एएमडी की तरफ से आने वाला राइजन 7 700X 3D जो कि एक बहुत ही शानदार हाई एंड गेमिंग चैंपियन सीपीयू यहाँ पर रहता है एएमडी की तरफ से। बहुत शानदार हाई एंड सीपीयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया, किसी भी तरह की गेमिंग के लिए एडिटिंग के लिए बहुत शानदार यहाँ पे ये रहेगा। तो दोस्तों आप भी कोई हाई एंड पीसी बिल्ड करना चाहते हैं एएमडी की तरफ से तो आप ये वाला सीपीयू इस्तेमाल करके बहुत ही शानदार पीसी बिल्ड कर सकते हैं जो कि बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पे आप किसी भी तरह की एडिटिंग वीडियो एडिटिंग यहाँ पे कर सकते हैं, हाई एंड वीडियो एडिटिंग साथ में हाई एंड गेमिंग भी आप इस पर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सीपीयू हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 36,000 रुपये 36,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का हुआ है एक मदरबोर्ड, तो जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है आसूस की तरफ से आने वाला प्राइम 1670P वाईफाई जो कि एक 1670 चिपसेट का मदरबोर्ड यहाँ पर रहता है। DDR5 वाला बोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया जो कि बहुत शानदार यहाँ पर रहता है। हाई एंड मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है। राजन के बड़े जो सीपीयू आते हैं 7000 सीरीज के बड़े जो सीपीयू आते हैं उनके लिए बहुत बड़े यहाँ पर रहता है, बहुत बड़ी तरीके से सारे सीपीयू का हैंडल यहाँ पे कर लेता है। साथ ही वाईफाई ब्लूटूथ इसमें आपको मिलेगा, काफी सारे फीचर आपको उसमें मिल जाएंगे, सारे पोर्ट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो बहुत ही शानदार हाई एंड मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल यहाँ पे किया है। दोस्तों यहाँ पे जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी 26,000 रुपये 26,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट बिल्ड कवर है रैम, तो रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया एसपीजी की तरफ से आने वाली लेंसर 16+16 32 GB 6000 MHz की RGB रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की। साथ ही 16+16 का कंपोनेंट इस्तेमाल किया, साथ ही 6000 MHz की रैम हमने इस्तेमाल की जो कि बहुत शानदार रहती है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिलेगा चाहे आप गेमिंग करें एडिटिंग करें। साथ ही व्हाइट कलर की रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया जो कि बहुत शानदार यहाँ पे रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो रैम हमने इस्तेमाल की उसकी कुछ 12,000 रुपये 12,000 में अभी आपको ये मिल जाती है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का हुआ SSD, जो SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है किंगस्टन की तरफ से आने वाले 1 TB NVMe Gen 4 में SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया जो कि वो शानदार है। साथ ही Gen 4 SSD इस्तेमाल किया जो कि सबसे फास्टेस्ट सबसे हाई वर्जन यहाँ पे अभी SSD का आ रहा है। दोस्तों SSD लगाने से हमारा सिस्टम बूस्टअप हो जाता है, आप भी जब PC बिल्ड करते हैं तो SSD का इस्तेमाल जरूर करें, काफी अच्छी स्पीड यहाँ पे आपको मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो SSD हमने इस्तेमाल किया उसकी 6,000 रुपये 6,000 में अभी आपको ये मिल जाती है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का हुआ है एक कूलर, यहाँ पे जो कूलर हमने इस्तेमाल किया है डीप कूल की तरफ से आने वाला 360mm का व्हाइट ARGB लिक्विड कूलर हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया। दोस्तों यहाँ पे जो सीपीयू हमने इस्तेमाल किया इसमें आपको किसी भी तरह का कूलर नहीं मिलता है तो आपको अलग से कूलर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने डीप कूल का लिक्विड कूलर 360mm का RGB वाला इस्तेमाल कर दिया जो कि वो शानदार रहेगा। साथ ही इसमें RGB रहती है, 3 रंग रहते हैं जो कि पूरी तरह से RGB रहते हैं, बहुत बढ़िया RGB आपको मिलती है और यहाँ पे बहुत शानदार कूलिंग रहेगी, क्योंकि इसमें जो पंप रहता है वो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो लिक्विड कूलर हमने इस्तेमाल किया उसकी 8,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों अगला जो कंप्यूटर बिल्ड का हुआ है पावर सप्लाई PSU, जो PSU हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है डीप कूल की तरफ से आने वाला 750W का 8+ गोल्ड में एक बहुत ही शानदार PSU हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया जो कि इस पीसी के लिए शानदार रहेगा, सारे पार्ट्स के पावर को आराम से हैंडल कर लेगा। साथ ही 80+ वाला PSU हमने इस्तेमाल किया तो बहुत ही शानदार यहाँ पे ये रहेगा। दोस्तों यहाँ पे जो PSU हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 7,000 रुपये 7,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का हुआ है गेमिंग केस कैबिनेट, तो यहाँ जो केस हमने इस्तेमाल किया है कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला TD500 मेश व्हाइट कलर का केस हमने इस्तेमाल किया जो कि बहुत ही शानदार रहता है, बहुत बढ़िया यहाँ पे दिखता है। साइड में से टेम्पर्ड ग्लास रहता है, आगे 3 रहते हैं जो कि पूरी तरह से RGB रहते हैं। साथ ही इसमें आगे मेश पैनल रहता है तो बहुत ही बढ़िया कूलिंग यहाँ पे ये देता है। साथ ही व्हाइट कलर में हमने इस्तेमाल किया तो बहुत ही शानदार RGB इसमें दिखती है, लुक के मामले में बहुत ही बढ़िया केस यहाँ हमने इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया उसकी 9,500 रुपये 9,500 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का हुआ है ग्राफिक्स कार्ड GPU, तो जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है ZOTEC की तरफ से आने वाला RTX 4060 12 GB का 12 GB का ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया। साथ ही 4070 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल किया जो कि बहुत ही शानदार यहाँ पर रहेगा, बहुत हाई ग्राफिक्स कार्ड हमने इस्तेमाल किया, बहुत ही बढ़िया रहेगा चाहे आप गेमिंग करें एडिटिंग करें। तो दोस्तों यहाँ पे जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 55,000 रुपये 55,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों हमने देख लिया कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट का बिल्ड में इस्तेमाल किया, उनके डिटेल क्या, फीचर क्या है, कॉस्ट क्या है। तो आइए दोस्तों हम पीसी को असेंबल करते हैं और देखते हैं कि असेंबल करने के बाद एक कैसा दिख रहा है, इसका लुक कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो आइए दोस्तों देखते हैं।
Thank you.
यहाँ पे आपने देख लिया मैंने इस पीसी को बना लिया, इस पीसी को बिल्ड कर लिया, काफी शानदार बनाकर लुक की बात करते तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है क्योंकि केस हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया व्हाइट केस आरजी वाला इस्तेमाल किया, साथ ही रैम भी हमने व्हाइट कलर की इस्तेमाल किया, साथ ही लिक्विड कलर हमने व्हाइट इस्तेमाल किया, तो बहुत ही शानदार व्हाइट थीम वाला पीसी यहाँ पे बना हुआ, बहुत ही बढ़िया आरजीबी इसमें यहाँ पे दिख रहा है। वही अगर कंप्यूटर की बात करते तो बहुत ही हाई एंड गेमिंग कंप्यूटर इस्तेमाल किया, बहुत ही शानदार हाई एंड गेमिंग पीसी यहाँ पे हमने बिल्ड कर लिया जो कि बहुत शानदार यहाँ पे रहेगा। वही परफॉर्मेंस की अगर बात करते तो मैंने इस पर सिनेमैक्स सर्च करके देखा था जिसके अंदर 270 एफपीएस मिलते हैं, यानी अगर फिर गेमिंग करते हैं तो आपको 250 एफपीएस आराम से मिल जाएंगे, अलग अलग गेम के अलग अलग एफपीएस आपको मिल जाएंगे जो कि बहुत शानदार यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं जिसके लिए आपको 1.5 लाख से लेकर 1,60,000 रुपए के बीच में, तो आप सेम टू सेम ये वाला पीसी बिल्ड कर सकते हैं, कुछ कंप्यूटर को घटा के कुछ कंप्यूटर को चेंज करके बहुत ही शानदार पीसी यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग पीसी, कोई वीडियो गेमिंग पीसी या किसी भी तरह का कोई कंप्यूटर परचेस करना चाहते हैं, या फिर अगर आप ये वाला पीसी परचेस करना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं जो कि लोकेटेड लाल घाटी उसका भोपाल पर, और अगर भोपाल में रहते हैं भोपाल से बाहर रहते तो हमसे कॉन्टैक्ट करके किसी भी तरह के पीसी का ऑर्डर हमें दे सकते हैं जो हम आपके घर पहुंचा देंगे 3 दिनों के भीतर। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस तरह की वीडियो भी देखना चाहते हैं पीसी बिल्ड के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।